माइनस आई क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी आ जाएगी। देखो कोई भी चार्ज का कम होना ही तो स्टेबिलिटी होता है। इसका मतलब माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। इसका मतलब इन शॉर्ट में ये लिख सकता हूं क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। क्या ये बात सही है? चेक करो एक बार, क्या ये बात सही है? बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन बिटवा लगाऊं तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना, तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर देंगे। देख मेरी क्या बात, तो ये कहानी है एसिडिक क्लियर। अब देखो क्या यही सिनेरियो एल्कोहल में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? आर ओ एच लगा हुआ है, ठीक है, आर की जगह मैंने यहाँ कोई और लगा दिया। अभी स्टार्टिंग में मान लो मैंने यहाँ याद लो ना, मेरे पास ऐसा लिखा है, यहाँ बना दिया मैंने दो नेगेटिव। समझना बात को ध्यान से ना, आराम आराम से बेसिक्स क्लियर कर लो, जी ओ सी अपन बहुत आराम से और सारी चीज कवर करते हुए चलेंगे ताकि आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं आए, साथ ही चलेगी और ये, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना जरा, यहाँ क्या है माइनस आई, यहाँ क्या है माइनस आई, तो ये सपोर्ट करेगा क्यों? ये जो एन आई बना सेम वही सिचुएशन जैसे यहाँ इसको स्टेबल करेगा, मतलब यहाँ भी सेम वही खेल है क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली टू प्लस आई। क्लियर है? बहुत बेसिक चीज समझाई, चले आगे बढ़े। बहुत बढ़िया,